गाइस सुबह हो चुकी है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और तो चावल मैंने बना लिए हैं और चावल सब्जी और रोटी बनेगी आज। तो सब्जी में मैंने ये फ्लावर की सब्जी बनाई है, आलू और फ्लावर की सब्जी है ये, थोड़ी सी ग्रेवी वाली। और ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेरे लिए फ्राई बनाया है, मुझे ग्रेवी नहीं पसंद, मैं रोटी के साथ खाऊंगी इस वजह से। और दीदी को फ्राई नहीं पसंद, मुझे ग्रेवी वाला नहीं पसंद, तो उनके लिए ग्रेवी वाला, मेरे लिए फ्राई वाला। और यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ नींबू पानी बनाया था मेरे लिए और मैं यहाँ अपना नींबू पानी बैठ कर पी रही हूँ। मैं हमेशा मैं ये ऊपर आई हूँ और मैं नींबू पानी हमेशा यहाँ बैठकर पीना प्रेफर करती हूँ, मतलब सुकून से एकदम। मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ, ज़रा देखिए सामने ये नज़ारा है। ये नज़ारा देखकर मैं यहाँ पर मैं वैसे चाय पीती नहीं हूँ, इसलिए मैं शाम में नींबू पानी, दोपहर हो या शाम हो, जब मेरा मन करे तब नींबू पानी बनाती हूँ। नींबू पानी पी लिया मैंने। वड़ा पाव लेके आई थी मम्मी, तो वड़ा पाव खाया था और अभी नींबू पानी पिया है। 12 बज रहे हैं, 12 बजे मैंने वड़ा पाव खाया है। और मैंने इसलिए खाया क्योंकि मम्मी लेके आई थी, मैंने मना किया था, फिर भी वो ज़बरदस्ती लेके आ गई, तो अब वो वेस्ट जाता, इसलिए मैंने अब वो खा लिया है। मेरा खाना भी बनकर तैयार है, सिर्फ अभी रोटियां बनानी है और कुछ नहीं। आज घर पर कोई है नहीं तो घर पूरा सुनसान लग रहा है, मतलब मम्मी और दादी सास नहीं है, इसलिए वो कैसे, मम्मी और दादी सास हो तो घर में चहल पहल बची रहती है। मेरी दादी सास यारे ये यहाँ रख दिया, वो वहाँ रख दिया, या फिर हमारे घर पे पेट्स है ना, तो अरे ये मतलब डॉग है एक, उसका नाम होजो है, तो अरे होजो यहाँ आ गया, अरे होजो वहाँ चला गया, अरे दरवाज़ा लगा लो, होजो बाहर चला जाएगा, तो कुछ ना कुछ चालू रहता है। तो अब वो नहीं है तो पूरा घर सुनसान है। सो अब देखते हैं, खाना बना के हो चुका है, कपड़े भी दादी ने ही धोए थे सुबह सुबह। दादी का मतलब हमारे घर पर वॉशिंग मशीन है, पर दादी को आदत है हाथ से कपड़े धोने की, सो वो कपड़े हाथ से ही धोती हैं, वो किसी की नहीं सुनती, वो बस धो देती हैं कपड़े। तो मैंने मेरे कपड़े नहीं दिए थे, मुझे नहीं पसंद कि वो मेरे कपड़े धोएं। और कल हम मशीन लगाने वाले हैं, मम्मी ने बोला था कि आज हमें, आज मेरी मम्मा वहाँ गई है ना, डेथ हो गई है ना, वहाँ गई है, तो मम्मी ने बोला था कि मैं कल आऊँगी, तो हम लोग कल मशीन लगाएंगे, तो कल कपड़े मशीन में धुलेंगे। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, मम्मी और दादी वहाँ चली गई हैं, घर पर मैं और दीदी हैं सिर्फ, और वो जो मेरे छोटे और बड़े छोटे देवर हैं और बड़े जेठ जी हैं। लड़के कहाँ घर पे रुकते हैं, देवर जी भी काम पे चले गए, जेठ जी हैं घर पे, वो घर पे रुकते नहीं हैं। पूरा बोर हो रहा है घर पे आज, तो देखते हैं क्या करते हैं। मैंने खाना खा लिया है, अब मैं हमारा जो होजो है ना उसके लिए खाना तैयार कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसको। हमारा होजो है ये खाना खा रहा है, तो देखिए वहाँ पर आप देख सकते हैं एक मनी माओ भी है। शाम हो चुकी है, अब मैं थोड़ी देर सो गई थी, सो के मैं उठ भी चुकी हूँ और अब थोड़ा सा तैयार होते हैं बाल। तो आज मेरी दादी सास है, वो कटहल कट कर रही हैं, तो वो किस तरीके से वो कट कर रही हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगी, सो आप देखिएगा। ये मेरी दादी सास है और ये कटहल कट कर रही हैं, देखिए। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, रात का खाना पीना हो चुका है और ये कटहल में यहाँ पे मुझे हस्बैंड ने लाके दिया, वो कटहल खा रही हूँ और हम गप्पे लड़ा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद फिर मम्मी आती है, मम्मी ने दिया दूध
और हम खा के सो गए। बाय बाय, टेक केयर।